नवगछिया में फिरगर्जी बंदूक, घर के गेट पर पत्नी के सामने अपराधियों ने व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या। स्थानीय लोगों ने रोका शव, कहा जब तक आरोपी नहीं होंगे गिरफ्तार नहीं उठने देंगे शव। नौगछिया में सरेआम अपराधियों ने नया टोला निवासी के व्यवसायी चंद्रशेखर मंडल उर्फ पप्पू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने बिल्कुल करीब आकर पप्पू को दो गोली मारी, जिसमें एक गोली पप्पू के चेहरे पर जा लगी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और कथित अपराधी नया टोला के ही राजेश यादव और मंटू यादव के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। लोगों ने एक युवक की मौके पर ही पिटाई भी कर दी। ग्रामीण आरोपियों के घर को आग के हवाले कर देने की बात कर रहे थे। घटना के बाद राजेश और मंटू के परिवार के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए। राजेश फिलहाल एक ऑनर किलिंग के मामले में जेल में है। राजेश का एक किराएदार अपने पूरे परिवार के साथ मकान में ही फंस गया था। आसपास के इलाके के कुछ लोगों की सहायता से पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से मना कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक सब को उठने नहीं दिया जाएगा। घटना की सूचना पर पहुंची नौगछिया एसपी निधि रानी के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने सबको उठने दिया। देर रात समाचार लिखे जाने तक नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए सबको लाया गया था। स्थानीय लोग और पुलिस घटना स्थल पर ही देर रात तक जमे हुए थे। नौगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम को तत्काल छापेमारी में लगाया गया था। घटनास्थल पर डीएसपी मुख्यालय अंसार अहमद के साथ रंगरा परबत्ता नौगछिया गोपालपुर कुल 5 थाने की पुलिस को लगाया गया था। घटना का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी ही पुत्री की ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी राजेश यादव का नाम सामने आया था। राजेश और उसके परिवार वालों को लगता था कि पप्पू मंडल ने ही उक्त मामले का उद्भेदन कर उन लोगों को फंसा दिया है। इसी कारण अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही थी। मृतक के घर से आरोपियों का घर बिल्कुल करीब है। हालांकि हत्या के स्पष्ट कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और घटनास्थल के पास से लगे सीसीटीवी में आए फुटेज के अनुसार पप्पू मंडल कुरकुरे खरीदकर पत्नी नीतू देवी के साथ घर के पास ही खा रहे थे। इसी दौरान मुंह में गलमोची लगाकर आए दो युवक पप्पू के बिल्कुल करीब आ गए। जब तक पप्पू कुछ समझ पाते अपराधियों ने दो चक्र गोलियां चला दी। देखते ही देखते पप्पू जमीन पर ढेर हो गए। नौगछिया एसपी निधि रानी ने कहा कि जेल में बंद राजेश यादव ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से घटना करवाया है। घटना में मृतक के परिजन चश्मदीद गवाह हैं। सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना को कैद कर लिया है। कांड में जो भी शामिल है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट से ऑर्डर लेता है, कल घर द्वार तोड़ते हैं। तो इसमें भी उतना ही कार्रवाई होगा। क्या करना? सुनिए, हमारा पोता का वो तो मर नहीं सकता है। नहीं, पूरा प्रक्रिया चलेगा तो क्यों बाहर निकले? क्यों मैं बाहर निकलेगा? सब प्रक्रिया में रहेगा तो क्यों निकलेगा? ठीक है, सारा प्रक्रिया भी तो निकलेगा। नहीं, बिल्कुल ये पिछले 6-7 महीने पहले एक हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक जो इस जो नया टोला एरिया है यहाँ पे एक लड़की गायब है और परिवार वालों पर शक जाहिर किया गया था जो सूचना देने वाला था। तो हम लोगों ने उसमें जो प्रारंभिक जांच कराया तो ये पता चला था कि जो परिवार है उन्होंने अपनी बेटी को मार के गायब कर दिया है। तो उसमें केस दर्ज हुआ था और जो परिवार है उन पे केस सत्य पाया गया था और वो जो फादर है लड़की का राजेश यादव जिसका नाम है वो उन्होंने अभी पीछे कोर्ट में सेंडर किया था। तो उनका कुछ दुश्मनी था जिनके साथ आज ये घटना घटी है। तो अभी वो जेल में है लेकिन उन्होंने ही अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या कुछ लोगों के माध्यम से घटना कायद कराई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी उनकी पहचान हम लोग करेंगे और परिवार वाले भी इसमें आई विटनेस हैं जिन्होंने देखा है। तो जो भी इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। कारण क्या लगे घटना का? कारण क्या? घटना का कारण वही है, उसी मामले को लेके है कि जो मामला था उसमें उसी मामले को लेके जो परिवार है लड़की वाला वो लोग इनके प्रति अपने मन में जो उनकी कुंठा कह लीजिए या फिर द्वेष था, आक्रोश था उनके मन में, तो उसी को लेके घटना का
जो है प्रतीत हो रही है कि उसके द्वारा कराई गई। पुलिस के आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? अभी हम लोग कांड दर्ज करके जो भी इसमें अपराधी हैं उन लोगों की हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, और जो भी उसमें अगर वैधानिक कार्रवाई होता है उसको हम लोग कम से समय में पूरा करेंगे। सीसीटीवी में क्या आया मैम? सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि ये अपने घर के बाहर में खड़े हैं और कुछ अपराधी आ रहे हैं और घटना करके भाग रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए एक अच्छा एविडेंस है। हम लोग उसको एज एविडेंस हम लोग कलेक्ट करके अपना कोर्ट में पेश करेंगे, और जो भी इसमें शामिल कितने लोग थे सीसीटीवी में आपका नाम सुने थे? विषय अभी अनुसंधान चल रहा है, उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177 9934855177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नौगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। अब पैसा नहीं बनेगा आपकी पढ़ाई में बाधक। आपके भविष्य की चिंता करने के लिए नौगछिया की धरती पर आ गया है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपके उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज का चयन करवाती है और आपको उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। BEd, DLed एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA इत्यादि कोर्स में नामांकन के लिए संपर्क जरूर करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी भी कॉलेज में निःशुल्क रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाती है। हमारा पता है उच्च विद्यालय नौगछिया के समीप नौगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 8873-973-680-8289-956-905। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33-73-68-91-47-33। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें।